मैं कुफर सी क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 14 वाला सॉल्व करके बताऊंगी। इसके पहले वाले जितने क्वेश्चन मैंने इसकी अलग अलग वीडियोस बना दी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये रेंज बता दिया है 10 से लेकर 250 तक। इनके बीच में आपको वो नंबर्स पता करने हैं जो नंबर 4 के मल्टीपल्स हों, जो कि 4 के मल्टीपल्स होते हैं। देखिए 4 के मल्टीपल्स कैसे आप चेक करेंगे, तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, 10 से शुरुआत करेंगे, कहाँ तक, 250 तक। तो 10 से आप पहले शुरुआत कीजिए। तो देखिए 10 है, 10 क्या है, 2 into 5 यानी किस टेबल में आता है, 2 into 5। तो ये देखिए इसमें 4 का मल्टीपल्स तो नहीं आ रहा है। उसी तरह से 11 भी नहीं आएगा, क्योंकि 11 क्या है, 11 हो जाएगा 11 into 1, तो इसमें भी 4 का मल्टीपल्स नहीं, 4 तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। 12 हमारा होगा, क्योंकि देखिए 12 क्या है, 4 into 3, 3 4 12, यानी कि 4 का मल्टीपल्स है 12, तो हमें पहला नंबर क्या मिल गया, 12 मिल गया। उसी तरह से 13 भी चेक कर लीजिए, वो भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं, 16 होगा। 16 होता है 4 into 4, ठीक है, 16 क्या है हमारा, 4 into 4, तो ये भी हमारा 4 का मल्टीपल से 16 हो गया। 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 हमारा होगा, क्योंकि 20 क्यों है हमारा 4 का मल्टीपल, 20 है, 4 into 5, इसमें 4 आ रहा है, तो ये हमारा 20 जो है 4 का मल्टीपल 20 हो गया। तो जस्ट आप बस 3 ही नंबर लीजिए, ज़्यादा आगे हमें नहीं लेना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एपी सीरीज की हेल्प से हम निकाल लेंगे कि कितने नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स में, ठीक है। तो ये आगे के 3 नंबर पता चल गए। अब हमें लास्ट का नंबर पता करना, तो लास्ट का नंबर कैसे पता करेंगे आप, 250 आखिरी है, लास्ट नंबर बता रहा है। तो देखिए 250 तो हमारा 4 का मल्टीपल है ही नहीं, इसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये 4 का मल्टीपल्स हमारा नहीं है। और इसके पीछे जाइए आप, इसके आगे तो जाना नहीं, क्योंकि रेंज हमें बता दिया गया। तो 250 के पीछे जाएंगे तो क्या आएगा आपका, 259। तो ये तो वैसे भी ऑड नंबर है, आखिरी में तो 4 का मल्टीपल तो होगा नहीं। 258 चेक कर लीजिए, तो 258 भी जो है ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप चेक कर लीजिए 257, ये भी नहीं आएगा। उसी तरह से 256, तो आप 256 जो है ये 4 का मल्टीपल है, कैसे, देखिए ये डिवाइड करके देख लीजिए, 4 6 24 और 4 4 16, यानी कि 256 क्या है, 4 into 6 4। देखिए ये 4 का मल्टीपल है, जब आप 4 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर जो है आ जाएगा। तो 256 क्या है हमारा, 4 का मल्टीपल्स है, सॉरी 256 नहीं होगा, 250 के पहले जाना है ना, सॉरी, तो 250 के पहले जाएंगे, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। रेंज क्या है, 10 से लेकर 250 तक, तो ये तो आपको 3 नंबर पता चल गए, 10 के बाद 11 नहीं 12 होगा, फिर 16 होगा, 20 होगा, ये 4 के मल्टीपल्स है। आखिरी लास्ट नंबर क्या है, 250 है, तो 250 तो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, इसके पीछे जाइए आप, तो 249 होगा, ठीक है। तो 249 तो हमारा होगा नहीं, क्यों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि इवन ये ऑड नंबर है, ये तो होगा ही नहीं 4 का मल्टीपल। उसके बाद पीछे जाएंगे तो क्या 248 आएगा, तो 248 आएगा, तो इसको 4 से आप डिवाइड कीजिए, तो 4 6 24 और ये आप नंबर बता रही 4 2 8, यानी कि 248 जो नंबर है हमारा 4 into 62, तो ये हमारा जो है 4 का जो है मल्टीपल है 248 नंबर। तो ये हमारा क्या नंबर आ गया, लास्ट नंबर 248, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझसे गलती हो गई थी, तो ये 248 नंबर आ रहा है, ठीक है। 250 नहीं है 4 का मल्टीपल, इसके आप पीछे जाएंगे, क्योंकि ये रेंज इतनी बता रही है, तो 250 के पीछे 249 आएगा, वो 4 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि 249 क्या है, 9 हमारा ऑड नंबर है, तो 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 4 का मल्टीपल कैसे होगा। तो फिर उसके बाद 248 है, ये हमारा 4 का मल्टीपल है। तो हमें देखिए ये एक सीरीज मिल गई हमें, ठीक है, आगे के मैंने 3 नंबर पता कर लिए, और इसके बीच में कई नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, तो वही हमें निकालना है, तो हम एपी सीरीज की हेल्प से फार्मूला लगा करके इजली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम ये चेक कर लेते हैं एपी है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने का तरीका है कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 3 टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये 3 टर्म दिए हैं, तो इसमें कैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ये हमारा क्या सेकंड टर्म है और ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 16 में से 12 माइनस कीजिए तो 4 आएगा। सिमिलरली जैसे आप 16 में से 12 माइनस किए ना, उसी तरह से अब इसमें से थर्ड में से सेकंड को, पहले क्या किया आपने, सेकंड से फर्स्ट को माइनस किया, अब आप थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे, यही तरीका है, इतना तो आपको समझ में आ गया, ये भी 4 आ रहा। तो देखिए जब आपने इसको इससे माइनस किया तब भी 4 आ रहा, इससे इसको माइनस किया तब भी 4 आ रहा, तो ये हमारा एपी सीरीज है, ठीक है। एपी सीरीज मिल गया तो अब बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, जस्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एपी सीरीज हमें मिल गया, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं 12 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ए से जुड़ के वो हमारा क्या है 12 है, फर्स्ट टर्म की जरूरत होती है फॉर्मूले में, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसके बाद हमारा डी कितना है,
डी हमारा कितना है, 4 आया है। देखिए कॉमन डिफरेंस, और देखिए ये सबसे लास्ट वाली वैल्यू है जो 4 का मल्टीपल है, यानी कि 250 के पहले आ रहा है, जो 250 तो नहीं था तो उसके पहले जो आ रहा है 250 के पहले, तो वो क्या है, वो लास्ट नंबर कौन सी है जो 4 का मल्टीपल है, वो है 248। तो ये हमारा लास्ट टर्म है, तो ये एल यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल। तो देखिए ये लास्ट टर्म पर चल गई, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एल वाला लगेगा, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमें क्या पता करना है, कितने नंबर्स हैं, तो यानी कि हमें एन पता करना है यहाँ पर। यहाँ ये समझ लीजिए हमें क्या, एन, एन जो वैल्यू आएगी ना वो ये बताएगा कि इस रेंज में इतने टोटल नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं। तो देखिए ये भी फॉर्मूला लगा दिया, एल कितना दिया, 248, जस्ट पुट कर दीजिए वैल्यू, 248 इक्वल टू ए हमारा 12 दिया हुआ है, प्लस एन हमें निकालना है, और डी कितना दिया, 4 रख दीजिए यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे, ये वाली टर्म यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है, ये प्लस 12 है ना, जस्ट इधर लेकर चले आइए 248 के बगल में, ठीक है, तो ये प्लस 12 है, इक्वल टू किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, और ये वाली टर्म आप यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कीजिए आप, तो माइनस करने पे क्या होगा, 6 और 3 236 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके साथ माइनस 1 लगा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू यहीं पे रहने दीजिए आप, ये एन माइनस 1, ये इंटू जो 4 में है ना, ये इंटू 4, इसको इक्वल टू किधर लेकर आएंगे, तो मल्टीप्लाई में है ये, तो इक्वल टू किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और ये एन माइनस 1 यहीं पे रहेगा, ठीक है, तो डिवाइड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 20 और 4 9 36, तो हमारा क्या आया, एन माइनस 1, यानी कि एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आया, एन माइनस 1 इक्वल टू ये 59 आया, काट दिया मैंने, 59 आया, ठीक है। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो ये माइनस 1 इधर लेकर जाएंगे, इक्वल टू के इधर, तो माइनस 1 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो एन की वैल्यू क्या आई हमारी, 60। कहने का मतलब 60 यानी कि 10 से लेकर 250 के बीच में टोटल 60 नंबर ऐसे हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो हमें इजिली पता चल गया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जहां ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।